गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज सिमरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 अमेजिंग हैक शेयर करने वाली हूँ, विच आर फॉर न्यूली वेड्स के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मल लाइक मैरिड हो तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। आपको कभी फंक्शन में जाना पड़े, पार्टी में जाना पड़े, पूजा वगैरह है, कुछ भी, रेडी होने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। तो इसमें मैं आपको हेयर, मेकअप, साड़ी, स्टाइलिंग, बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली उन पैरामीटर्स को ध्यान रखा है जो कि एक न्यूली वेड्स को फेस करने पड़ते हैं। बेसिकली साड़ी ड्रेप करना, ज्वेलरी पहनना, सिंदूर लगाना, चूड़ियाँ मैच करना, मेकअप करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो पहला टिप दैट आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू इज अबाउट द ब्लश। मेरे पास यहाँ पर पाउडर ब्लश है। जब भी आप पाउडर ब्लश लगाते हो तो यू नो वो ग्लो विद इन अंदर से नहीं आ पाता। अगर आपने मेकअप आर्टिस्ट को देखा हो तो वो हमेशा क्रीम वाला ब्लश यूज़ करते हैं, आई थिंक विच वर्क्स बेस्ट, क्योंकि उससे एक अंदर से ऐसा लगता है कि वो फ्लश आपकी स्किन से ही आ रहा है। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए। तो जैसे ही आपने अपने फेस पर क्रीम लगा लिया है, ये मतलब बेसिक मेकअप है, ये वो नहीं है कि आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है, ये एक बेसिक ट्रिक है जो आप डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हल्का सा फ्लश न्यूली वेड्स पे अच्छा लगता है। आप अपना कोई भी लिपस्टिक ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टिंट खरीदो या फिर आप जाके कोई यू नो एक क्रीम ब्लश खरीदो, पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लिपस्टिक ले लो और उसको इस तरीके से डैब डैब करके अपने फिंगर से ब्लेंड कर लो। और आप ये भी कर सकते हैं, जो लिपस्टिक आप लगा रहे हैं अगर वो पिंक और रेड का शेड है तो वही आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। जो थोड़ा डार्क शेड था तो मैंने कम लगाया है और हल्का सा आंखों की तरफ जा रही हूँ ऊपर यहाँ पर। तो ये हो गया, अभी बिल्कुल बंदर जैसे घाल लग रहे हैं, आई नो। अब आप थोड़ा सा कंसीलर ले लो या फिर जो भी क्रीम आपने लगाई है, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन, उसको लेके हम यहाँ पर लगाएंगे अंडर आई पर और उसे ब्लेंड करेंगे। आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो बट मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपना ब्लश ब्लेंड कर सकते हो और ऊपर से अब मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो अब ये काफ़ी नेचुरल फ्लश लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि आपने ऊपर से ब्लश अप्लाई किया है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सो सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वैसे मैंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है और अब ये ब्लश काफ़ी स्मूथ और साफ लग रहा है ना। ओके, तो बहुत लोग के पास क्रीम लिपस्टिक होती है और क्या होता है कि जैसे देखो क्रीम लिपस्टिक ना, इट कम्स आउट रियली ईजली, बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। आप कुछ भी खाते हो, पीते हो, कपड़ों पे बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। उसके लिए एक टिप है, आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट पाउडर हो या फिर आपका फेस पाउडर है वो भी ले सकते हो। एक कोई भी टिश्यू ले लो इस तरीके से, आप चाहे तो डायरेक्टली टिश्यू को वैसे भी यूज़ कर सकते हो उस पर लगा के एंड उस पर फिर डैब डैब करो। दिस वे आपकी लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी। तो भी बहुत हल्की बाहर आ रही है तो आप थोड़ा सा पाउडर और एक्स्ट्रा लगा सकते हो सेट करने के लिए, वैसे सेट हो जाएगी एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो ये वाली टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि वो सिंदूर में बहुत कन्फ्यूज रहती है, उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि हम ड्राई सिंदूर यूज़ करें या फिर लिक्विड वाला यूज़ करें। वेल, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर न्यूली वेज तो आपको ड्राई सिंदूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर देता है। मतलब उसका लुक कभी भी एक लिक्विड वाला सिंदूर कम्पीट नहीं कर सकता। सो अगर आप न्यूली वेड्स हैं तो सूखे वाला सिंदूर लगाएं। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि लड़के क्या करते हैं, सिर्फ एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ, बहुत पतले वाली जो लाइन होती है, या फिर कोई कोई बहुत चौड़ा वी बना लेता है, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, वो बहुत टैकी लगता है। सो इट्स बेटर कि अगर आपको कम सिंदूर भी लगाना तो आप यहाँ पे मांग में लगाओ, माथे पे नहीं। माथे पे सिंदूर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बहुत हल्का सा अगर आप पुश कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन पतली सी जो ऐसे एक लाइन बनाए थे पतली सी, वो नहीं अच्छी लगती, वो बड़ा चौड़ा सा वी, वो भी नहीं अच्छा लगता है। सो मैंने एक ट्रिक सीखी है, मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप बीच की मांग निकालो और लगभग यहाँ तक एटलीस्ट आपका सिंदूर जाना चाहिए, अगर आप वो मांग कैरी करते हो तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप कितने भी लुक्स देखोगे सेलिब्रिटीज़ के तो वो पूरा पीछे तक सिंदूर लेकर जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब सिंदूर लगाने की एक आसान सी ट्रिक आपको बता देती हूँ। तो कोई भी एक ब्रश ले लो, ऐसा नॉर्मल सा ब्रश आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, और ड्राई सिंदूर लो, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें लेके हल्का सा इसको ऐसे कर लिया जिससे झड़े नहीं सर में जाके। टैप करना ज़रूरी है वरना ये आपके कपड़ों पे भी गिर सकता है। और इस तरीके से हेड को हल्का सा टिल्ट करना है, पूरा नीचे नहीं लेके जाना है, हल्का सा, और इस तरीके से हम डैप करेंगे पीछे तक। इस एंगल पे अगर आप लगाओगे तो फॉल आउट होगा तो आपके फेस पे नहीं आएगा, नीचे गिर जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ड्राई सिंदूर में क्या करते हैं कि ये डंडी को हल्का सा गीला करते हैं और उससे भी ड्राई सिंदूर लगा लेते हैं, तो उससे भी कलर सही आ जाता है। द सिंदूर इज डन और ये काफी अच्छा लगता है। आप चाहे तो हल्का सा आगे निकाल सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो इस ट्रिक से आपका सिंदूर गिरेगा भी नहीं और काफी अच्छा खूबसूरत सा लुक आता है ना। तो साड़ी पहनना भी एक टास्क है एंड काफी मुश्किल हो जाता है सारा दिन उसको कैरी करना। नई नई शादी हुई तो आदत भी नहीं होती, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। इंस्टेड ऑफ सिंपल कॉटन पेटीकोट्स जिनमें काफ़ी सारी गैदरिंग्स आती हैं ऊपर,
आपको पता ही पेटीकोट बहुत चौड़ा होता है, इकट्ठा होके कुछ ऐसा बन जाता है यहाँ पर, और काफ़ी साड़ी उठी उठी भी लगती है देखने में, एंड इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता बैठने और उठने में. सो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू विच इज़ द शेपवेयर. एंड ये साड़ी शेपवेयर काफ़ी सारे शेड्स में आते हैं और इसमें नीचे कट भी होता है, तो आसानी से आप इसमें चल फिर भी सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होता है. एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, स्ट्रेचेबल मटेरियल है, सो इट वर्क्स फॉर एवरी साड़ी. आप डिफरेंट कलर्स में खरीद सकते हो, स्पेशली आप रेड तो खरीद ही लेना शादी के टाइम पर, बिकॉज आपको रेड साड़ी आई थिंक ज़्यादा पहननी पड़ेगी क्योंकि लोगों की चॉइसेस रेड ही होती है ज़्यादातर, तो उसमें काफ़ी अच्छा काम करेगा. आराम से आपकी साड़ी ड्रेप भी हो जाती है और शेप बहुत अच्छी आती है, स्पेशली और जो शेप होती है ना साइड वाली वो बहुत अच्छी आती है, जो पेटीकोट में इतने अच्छे से नहीं आ पाती. तो शेपवेयर में साड़ी ड्रेप करना उतना ही आसान होता है जितना नॉर्मल पेटीकोट में होता है. इनफैक्ट मुझे और ज़्यादा टक देने लगती है साड़ी इसमें. अभी आप पेटीकोट के कलर पे मत जाना क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रही हूँ. मेरा पिंक वाला अभी जो शेपवेयर है वो मिल नहीं रहा है, तो ये ट्रिक छोटी सी है, बहुत सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा काम करती है. तो आपको सबसे पहले अपना पल्लू नाप लेना है कितना आपको चाहिए, आई थिंक इतना सफिशिएंट रहता है आपके घुटने तक आ जाए. तो प्लीज बनाने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिक शेयर कर रही हूँ. आपको ये वाला जो पोर्शन है जो साइड में जाता है इसको खींचना है, जहाँ पर भी आपको चाहिए आप वहाँ रख सकते हो. मान लो आपको यहीं पर चाहिए, उसको पूरा खींच दो अच्छे से यहाँ पर. हम उसको पिन कर देंगे एक छोटा पिन लेकर. तो इसको हमने अपने पेटीकोट में और साड़ी में पिन कर लिया है. अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से टाइट हो चुका है, तो जब अब आप प्लीट्स बनाओगे तो ये वाला जो आपका साइड है ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगा. खिंचा खिंचा जो टाइट वाला आता है ना यहाँ से, वो वाला लुक आएगा इसमें. तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा लेकिन एक अच्छा सा लुक आ जाएगा इंस्टेंटली. तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करना जब भी साड़ी पहनोगे. बाकी बच्चों के कपड़े की हम यहाँ पर प्लीट्स बना रहे हैं नॉर्मली, तो कभी भी आपकी साड़ी यहाँ से लूज नहीं दिखाई दे. सो लुक हाउ ब्यूटीफुल दीज प्लीट्स आर लुकिंग. एक एक प्लीट कैसे निकल कर आ रही है और यहाँ से साड़ी का शेप बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी की शेप भी बहुत प्यारी आती है. तो ये ट्रिक आप डेफिनेटली ट्राई करना. सो इस तरीके की साड़ीज जो होती है जिनका पतला कपड़ा होता है, स्पेशली बहुत सारी साड़ीज होती है जिनका डर होता है कि यार वो कहीं पिन से खराब ना हो जाए, और बहुत सारी साड़ीज खराब हो भी जाती हैं पिन से, आई नो. तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप एक मैचिंग पत्ता खरीद लो जिसमें सारे कलर्स की बिंदी हो, और थोड़ा बड़ा साइज खरीदना, मेरे वाला थोड़ा सा छोटा है, तो आप कोई भी मैचिंग बिंदी ले सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली ली है, सेफ्टी पिन लो, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार बना के, बहुत आसान है. मान लो हमें यहीं पर लगाना है पिन, तो जहाँ पर भी हमें पिन लगाना है उसके ऊपर हम अपनी बिंदी स्टिक करेंगे. तो मैंने यहाँ पर ये लाइट कलर की बिंदी लगा दी है पिन लगाने के लिए. इससे क्या होगा कि आपके कपड़े में बड़ा छेद नहीं होगा एंड साड़ी का कपड़ा बच जाता है इससे. तो इसके बीचों बीच से हम ये पिन लेकर जाएंगे. तो यहाँ पर भी आप कोई बिंदी लगा सकते हो जहाँ से आपको पिन निकालना है. ये हो गया हमारा पिन रेडी. तो इससे क्या होगा कि आपकी साड़ी बच जाएगी और उस पर यू नो जो बड़े होल्स हो जाते हैं कपड़ा फटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट टिप है हैवी इयररिंग्स के लिए. इस तरीके के जो हैवी इयररिंग्स होते हैं उन्हें पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब ऐसे लॉक बंद हो जाता है तो कान दब जाता है बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है बहुत लंबे समय तक. तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसको मैंने ऐसे हाफ में फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से हम एक ऐसे राउंड काट लेंगे. आप यहाँ पे कोई कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू. आप इसे सबसे पहले कान में डालोगे इस तरीके से, और पीछे से इस टिश्यू को हम अंदर पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से, और बाद में हम इसमें लॉक लगा देंगे ऊपर से. तो इससे क्या होगा कि लॉक से आपका कान बिल्कुल इरिटेट नहीं होगा और दूसरा आपको दर्द भी नहीं होगा लंबे समय तक. तो अब ये सब तो हो गया, अब बात आती है बालों की. बालों में अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ब्रेड बना सकते हैं, आप चाहें तो खुले भी रख सकते हैं. बट मेरे पास एक जूड़े का ट्रिक है. आप कुछ इस तरीके का एक रबर बैंड आता है, एक स्क्रंची आती है, अमेजोन पे आपको आराम से मिल जाएगी या फिर लोकल मार्केट में मिल जाएगी. थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली खरीदना, इट विल हेल्प यू अ लॉट शादी के बाद. जैसे आपको जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए बोल दिया, बालों में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है. सिंपली इस तरीके से मैंने यहाँ पर चोटी बनाई हुई है पीछे, राउंड करके नीचे की तरफ जूड़ा बना लूँगी. कुछ हाई फाई नहीं है इसमें, सिंपल है. फिर ये वाला रबर बैंड लेके बन गया, लो इंस्टेंटली जुड़ा. कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो इस पर दो फ्लावर्स भी लगा सकते हैं आपको पार्टी वगैरह में जाना है, बट ये बहुत इंस्टेंट है. 10 सेकंड के अंदर आप आराम से जुड़ा बना सकते हो. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस, ये मेरे बालों से मैच करता है अच्छा खासा. अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ. लग रहा है ना कितना फ्लफी और बड़ा सा जुड़ा, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा. तो अब हम पूरा तैयार हो ही गए हैं, तो एक और ट्रिप मैं आपको बता देती हूँ, वो है बैंगल्स की, क्योंकि वही बचे हैं अभी. तो बैंगल्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बैंगल ले रहे हो ठीक है, लेकिन एमरजेंसी के लिए आपको लगभग 2 दर्जन गोल्डन बैंगल्स ले लेना मेटल वाली. उनसे क्या होता है कि आप उन्हें किसी भी कपड़े के साथ, जब आपको समझ नहीं आता कौन सी बैंगल्स पहनूं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमने पूरा पिंक पिंक पहन लिया है तो फिर पिंक बैंगल्स पहन के वो बहुत ज़्यादा पिंक पिंक हो जाते हैं, या फिर कोई ग्रीन कलर है तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया, येलो तो येलो येलो हो गया. तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ साइड क्या रहती है कि आप लगभग 2 दर्जन गोल्डन कलर के बैंगल्स खरीद लो, और 2 कड़े ले लो कोई भी जो आपके पास अच्छे से हो, सिंपल से जो गोल्डन टच में ही हो, और उनको यहाँ पर लगाओ
एक लगाओ इसके एंड में। बहुत सिंपल सा बेसिक सा तरीका जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं, बस बैंगल्स का कलर गोल्डन रखना और हम इसको पहन लेंगे। है ना कितना आसान, किसी भी कलर पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ समझ में ना आए तो गोल्डन बैंगल्स पहन लो। ये हो गए हमारे बैंगल्स और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो जो टीवी सीरियल की बहुएं होती है वो काफ़ी सारी बैंगल्स पहनती हैं हाथ में, तो इस तरीके से आप भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। अगर आपके घर में चलन है दोनों हाथ में पहनने का तो थोड़ी थोड़ी दोनों हाथ में पहन सकते हो, बट मैं एक में ही खुश हूँ। तो ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। अब बहुत लोगों के यहाँ पर होता है कि सर पे पल्लू रखना है। छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से देखना। कैसी भी साड़ी हो, कितनी भी हैवी साड़ी हो, पल्लू नीचे नहीं जाता। वैसे मैंने ज़्यादा पल्लू रखा नहीं है, बट ये ट्रिक मैंने सीखा है। जहाँ पर भी आपको चाहिए, मान लो आपको यहाँ पर पल्लू चाहिए, तो आप वहीं से उसको पकड़ लें या फिर आप निशान भी लगा सकते हैं। मान लो लगभग मुझे यहाँ पर चाहिए, तो अब मैं ये पिन को यहाँ पर लगा रही हूँ अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से, और एक लगा रही हूँ दूसरी साइड में। पिन्स लग गए हैं, अब पल्लू को जहाँ पर भी आपको चाहिए, मान लो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर रखेंगे और साथ में लेंगे टिक टैक पिन्स। आप थोड़ी बड़े वाली भी ले सकते हो, और उसको इस तरीके से पिन के बीच में से पुश करके और उसको लगा दो। सो मैंने रियलाइज किया कि टिक टैक पिन की बजाय अगर आप बॉबी पिन लगाते हो तो ज़्यादा देर तक टिकी रहती है, एंड आप आराम से काम कर सकते हो, चल सकते हो, आपको पल्लू की कोई टेंशन नहीं होगी, सर पे से निकलने की। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि सारे हैक्स आपको हेल्पफुल लगे हों। अगर आप न्यूली वेड्स हो या फिर आपकी शादी होने वाली, तो सारे हैक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड बताना आपका फेवरेट कौन सा था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट मंथ।